लोगों की मौत हो गई है, सैकड़ों फुटबॉल फैंस घायल बताए जा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ये हिंसा जो हुई है, इसमें दो टीमों के फैंस के बीच मैच के नतीजों को लेकर के बवाल हुआ है। मैच के नतीजे के बाद दोनों टीमों के फैंस आपस में भिड़ गए और उसके बाद क्या हुआ आपको हम लगातार जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए मेरे पीछे भी तस्वीर आप देख रहे होंगे, आगे भी इससे जुड़ी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। फुटबॉल ग्राउंड में हुई है भारी हिंसा। इंडोनेशिया के ईस्ट जावा में फुटबॉल मैच चल रहा था स्टेडियम में, अचानक से इस स्टेडियम में बवाल होता है, भारी बवाल होता है और हिंसा देखने को मिलती है, भगदड़ हो जाती है और इसमें 127 लोगों की मौत हो गई है। इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के दौरान भयानक मंजर दिखा है, दो फुटबॉल टीमों के समर्थक आपस में भिड़ गए और इसके बाद ये भिड़ंत इतनी हिंसक हो गई कि अभी तक 125 लोगों की मौत की जानकारी है। फैंस के आपस में भिड़ने के बाद इंडोनेशिया पुलिस हरकत में आई, कार्रवाई शुरू की, लेकिन इस भीड़ को काबू में पुलिस नहीं कर पाई। गुस्साए फैंस ने पुलिस कर्मियों पर भी हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इंडोनेशिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भारी बवाल हुआ है इंडोनेशिया में, फुटबॉल के मैदान पर मौत का तांडव देखने को मिला है। सबसे पहले दो फुटबॉल टीम और उनके समर्थक जो कि पहुंचे थे मैच को देखने के लिए, एक टीम मैच हार जाती है और हारी हुई टीम के जो फैंस थे, जो समर्थक थे, वो भारी बवाल करते हैं, सीधे आ जाते हैं वो मैच ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के भीतर आ जाते हैं और उसके बाद जो कहा सुनी थी वो हाथापाई में तब्दील होती है, भगदड़ की स्थिति। 125 लोगों की अभी तक मौत की जानकारी है। तो लगातार ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, फुटबॉल मैच के दौरान हुई हिंसा में अभी तक 125 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के एक्शन के बाद भी ये भीड़ कंट्रोल नहीं हो पाई, क्राउड को मैनेज नहीं कर पाई पुलिस, भगदड़ मच गई और भगदड़ में 125 लोगों की मौत हो गई है, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। इंडोनेशिया में पर्सिबिया सुरबाया ने एरिमा एफसी से मैच खेला था और इस मैच में एरिमा एफसी की हार हो जाती है। एरिमा एफसी के हार के बाद जो एरिमा एफसी के प्रशंसक थे, फैंस थे, वो आग बबूला हो गए, गुस्सा इतना ज्यादा भड़का कि हाथापाई पर उतर आए, सीधे फील्ड के अंदर, मैदान के अंदर घुस गए और उसके बाद दोनों ही टीमों के जो समर्थक थे, फैंस थे, आपस में भिड़ गए और उसके बाद का हाल क्या था ये आप इन तस्वीरों के जरिए समझ पा रहे होंगे। भारी हिंसा हुई है, मौत का तांडव देखने को मिला है इस फुटबॉल ग्राउंड में, जहां पर दो टीमों के प्रशंसक, दो टीमों के फैंस आपस में भिड़ गए। पुलिस और इंडोनेशियाई राष्ट्रीय सशस्त्र बल के सदस्य मैदान में एंटर हुए और पर्सिबिया सुरबाया के खिलाड़ियों की किसी तरीके से सुरक्षा की गई, तो जो दो टीमें जिनके बीच मुकाबला हो रहा था उनके खिलाड़ियों को, उनके प्लेयर्स को किसी तरीके से वहां से फौरन बाहर निकाला गया, वरना आप समझिए कि इस पूरे हादसे में फुटबॉल प्लेयर्स भी घायल हो सकते थे, उनकी भी जान जा सकती थी। ये भयानक मंजर इंडोनेशिया में देखने को मिला है, भारी बवाल हुआ है यहाँ पर और बताया जा रहा है कि हिंसा में अभी तक 125 से 127 लोगों के मारे जाने की जानकारी है। पूर्वी जावा प्रांत में इंडोनेशिया जहां पर यह मैच होता है, 127 लोगों की मौत, भगदड़ मच गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 3000 समर्थक आपस में भिड़ गए थे। पहले तो जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देखिए कि जो मैदान है फुटबॉल मैच जहां पर हो रहा था, आसपास जो दर्शक दीर्घा है वहां खचाखच लोगों से भरा हुआ था, इतने ज्यादा लोग जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग पहुंचे थे ये मैच देखने के लिए। 3000 जो फुटबॉल टीम के जो फैंस थे, समर्थक थे, आपस में भिड़ गए। दो टीमों के बीच मुकाबला चल रहा था लेकिन इस मुकाबले के बाद देखने को यह मिला कि यहां हिंसा होती है, भगदड़ जैसी स्थिति, कैसे लोग भाग रहे हैं, चीख पुकार मची हुई है, लोगों को यह समझ में आने लगा कि अब बचना मुश्किल है 127 लोगों की दर्दनाक मौत इस हिंसा में। इंडोनेशिया में फुटबॉल ग्राउंड बना मौत का मैदान, देखते ही देखते मैदान में फुटबॉल की जगह मौत उछलने लगी।
मैच में मिली हार से बेकाबू सपोर्टर्स एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। देखते ही देखते मैदान में मौत का तांडव होने लगा। दिल दहला देने वाली वारदात इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में हुई। यहां के मलंग रेजेंसी में इंडोनेशिया लीग के लिए अरेमा एफसी और परसेबाया सुरबाया के बीच फुटबॉल मैच चल रहा था। मैच के दौरान पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही अरेमा की टीम को मैच में 3-2 की शिकस्त मिली, उसके फैंस भड़क उठे। टीम को हारता देख अरेमा के फैंस मैदान की तरफ भागने लगे। देखते ही देखते फुटबॉल मैच जंग का मैदान बन गया। लोग एक दूसरे को मारने पीटने लगे। चंद मिनटों में ही मैदान में चीख पुकार मच गई। जहां पहले फैंस चीयर कर रहे थे, वहां से अब धुआं उठने लगा। आंसू गैस के गोले छोड़े जाने लगे। हालात बिगड़ता देख पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, लाठियां भांजनी पड़ी, लेकिन फैंस के इस पागलपन में कई जिंदगियां कुर्बान हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। और देखिए एक बार फिर से चार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इंडोनेशिया में खूनी फुटबॉल ग्राउंड। जी हां, हिंसा हुई, भगदड़ और 127 लोगों की मौत। ईस्ट जावा में फुटबॉल ग्राउंड में भारी हिंसा हुई है। इस हिंसा में 125 से 127 लोगों की मौत की फिलहाल जानकारी। सैकड़ों फुटबॉल फैंस घायल बताए जा रहे हैं। ये हिंसा दो टीमों के फैंस के बीच मैच के नतीजों को लेकर भड़की। मैच के नतीजे के बाद दोनों टीमों के फैंस आपस में भिड़ गए और उसके बाद क्या हुआ ये आप देख सकते हैं। स्टेडियम में आगजनी भी की गई। उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस ने सख्ती की। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। आप इन चार तस्वीरों में देख सकते हैं कि ईस्ट जावा के इस फुटबॉल ग्राउंड में हालात किस कदर बिगड़ गए। भाई आगे बढ़ते हैं, टॉप 9 खबरों का रुख करेंगे। देश के किस राज्य में आज से फोन कॉल आने पर हेलो की जगह बोलना होगा वंदे मातरम। कानपुर हादसे में कितने लोगों की अब तक गई जान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र पीएम मोदी की तस्वीर का क्यों कर रहे हैं विरोध। किस शहर ने छठवीं बार पहना स्वच्छता का ताज। देश की सभी बड़ी खबरों को देखते हैं भारतवर्ष टॉप 9। कानपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 13 बच्चों समेत 28 लोगों की मौत हो गई है। सभी लोग उन्नाव से मां चंद्रिका के दर्शन कर अपने गांव लौट रहे थे, तभी बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे बने तालाब में गिर गई। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने दुख जताया है। मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए राहत देने का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र में आज से सभी सरकारी कर्मचारियों को मोबाइल और लैंडलाइन फोन पर हेलो की जगह वंदे मातरम बोलना होगा। शिंदे सरकार ने कल ही सरकारी कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया था। इससे पहले महाराष्ट्र के वन विभाग ने भी अपने सभी कर्मचारियों को सरकारी कामकाज से संबंधित फोन आने पर हेलो की बजाय वंदे मातरम बोलकर जवाब देने का आदेश दिया था। शिंदे सरकार के सरकारी कर्मचारियों को वंदे मातरम बोलने के आदेश पर समाजवादी पार्टी ने विरोध दर्ज कराया है। अबू आजमी ने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। आज के आप बीजेपी और आरएसएस के दबाव में आप मुखिया हो महाराष्ट्र के, और इस महाराष्ट्र में एक जीआर इशू हो जो जय महाराष्ट्र को छोड़ करके वंदे मातरम बोलना हो, मैं समझता हूँ आप भी लगता है इस दबाव में आ गए हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मैगजीन पर पीएम मोदी की तस्वीर छापने पर एएमयू के छात्रों ने विरोध जताया है। छात्रों ने मैगजीन में पीएम मोदी की तस्वीर छापने पर वाइस चांसलर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्रों ने कहा कि किसी को खुश करने के लिए वाइस चांसलर ने मैगजीन में पीएम मोदी की फोटो छपवाई है, जो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के तीसरे कैंडिडेट का नामांकन रद्द होने के बाद अब मल्लिका अर्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला होगा। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर झारखंड के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी का नामांकन रद्द कर दिया गया। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है, इसलिए इसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि चुनाव होगा या निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए खड़गे से मुकाबले को लेकर शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है। थरूर ने कहा कि वरिष्ठ नेता खड़गे के साथ हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि वरिष्ठों की जगह पार्टी में युवाओं को मौका दिया जाए। आम कार्यकर्ताओं ने मुझसे कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ूं। 60 में से 50 साधारण कार्यकर्ता हैं जो पार्टी में बदलाव चाहते हैं। मैं उनकी आवाज़ बनना चाहता हूं।
अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने आज बंद बुलाया है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने बंद का समर्थन किया है। उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा कि अंकिता भंडारी केस के आरोपियों को पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए मामले की सीबीआई से निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए जिससे सच बाहर आ सके। गांधी जयंती के अवसर पर आज पूरे देश में स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ भारत दिवस समारोह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी और स्वच्छता पर उत्कर्ष कार्य करने वालों को और संस्थाओं को स्वच्छता पुरस्कार प्रदान करेंगी। 2014 में आज ही के दिन खुले में शौच पर पाबंदी लगाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत की गयी थी। भारत के युवा देश को स्वच्छ रखना अपना कर्तव्य समझ रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान की स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर ने 4,355 शहरों को पीछे छोड़ते हुए फिर बाजी मारी है। लगातार छठी बार इंदौर ने देश में सफाई में पहला स्थान हासिल किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि इंदौर का स्वच्छता मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। वहीं बड़े राज्य में मध्य प्रदेश और छोटे राज्यों में त्रिपुरा को पहला स्थान मिला है। किस राज्य में ट्रैक्टर ट्रॉलियों से लोगों को ले जाने पर लगा प्रतिबंध? कहां खाकी वर्दी पर फिर लगा लड़की की आबरू लूटने का आरोप? किस जेल में मुस्लिम कैदियों ने की मां दुर्गा की पूजा? कहां जिंदा साधु ने जमीन के 6 फीट नीचे ली समाधि? राज्यों से जुड़ी सभी बड़ी खबरों को देखते हैं राज्य टॉप 9 में। कानपुर में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद सीएम योगी ने यूपी में ट्रैक्टर ट्रॉली से लोगों के ले जाने पर रोक लगा दी है। यूपी सरकार ने ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल सिर्फ माल ढुलाई के लिए करने को कहा है। बीती रात कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 28 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे जिनका इलाज चल रहा है। यूपी की नाबालिग लड़की से बिहार में हुए गैंगरेप मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मधुबनी पुलिस ने लड़की के बयान पर जयनगर थाने के 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ रेप केस दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पहले लड़की भटककर बिहार के जयनगर पहुंच गई थी, जहां उसके साथ 2 पुलिस वालों समेत 3 लोगों ने गैंगरेप किया था और फिर 50,000 रुपए में एक महिला को बेच दिया था। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुस्लिम कैदियों ने हिंदू मुस्लिम सौहार्द की मिसाल पेश की है। जिला कारागार में बंद मुस्लिम कैदी हिंदू कैदियों के साथ नवरात्र का व्रत रखकर माता की जयकारे और पूजा करते नजर आ रहे हैं। नवरात्र में माता की पूजा के दौरान टोपी पहनकर बैठे दिखाई दे रहे ये सब मुस्लिम कैदी हैं, जो माता के चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। भोपाल के संत पुरुषोत्तमानंद महाराज ने 3 दिन की भू समाधि ली है। वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजा आरती के बाद 5 फीट चौड़े, 6 फीट लंबे और करीब 8 फीट गहरे गड्ढे में उन्होंने अपना आसन लगाया और साधना में लीन हो गए। महाराज के साधना में लीन होने के बाद गड्ढे को लकड़ी की पट्टियों से ढककर उसके ऊपर मिट्टी बिछा दी गई। कल वो साधना पूरी करके समाधि से बाहर निकलेंगे। श्रीनगर में 3 दशक बाद खुले पहले मल्टीप्लेक्स में कल से नियमित शो शुरू हो गए। पहले दिन मल्टीप्लेक्स में विक्रम वेदा और PS-1 देखने के लिए छात्रों की भारी भीड़ उमड़ी। छात्रों ने कहा कि हमें इसके खुलने का लंबे समय से इंतजार था, वो आज पूरा हो गया। 20 सितंबर को LG मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में खुले पहले आईनॉक्स मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया था। नामीबिया से आए मेहमान चीतों को भारत के कान्हू नेशनल पार्क में संरक्षण के साथ ही सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। हरियाणा के पंचकुला में चीतों की रखवाली करने के लिए जर्मन शेफर्ड्स डॉग इलू को ITBP के डॉग सेंटर में ट्रेनिंग दी जा रही है। 6 महीने के इलू को अगले 7.5 महीनों तक चीतों की रखवाली की गहन ट्रेनिंग दी जाएगी। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार मंगवाने वाले मुकेश लांबा को SDF ने गिरफ्तार कर लिया है। मुकेश लांबा के पास से 4 विदेशी पिस्टल, मैगजीन और कारतूस बरामद हुआ है। आरोप है कि मुकेश लांबा ने इन हथियारों को पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगवाया था और किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में था। मुकेश लांबा के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और वो फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर आया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 153वीं जयंती है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि गांधी जयंती हम सभी के लिए उनके प्रेरक जीवन, शांति, समानता और सांप्रदायिक सौहार्द के मूल्यों के प्रति खुद को समर्पित करने का अवसर है।
नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर के तर्ज पर ही पुणे के पुराने चांदनी चौक ब्रिज को भी विस्फोट के जरिए चंद सेकंड में ढह दिया गया। पुल के पिलर और दीवारों पर 600 किलो विस्फोटक को 1300 पॉइंट्स पर भरा गया था, जिसकी वजह से सिर्फ 5 सेकंड में ही पूरा ब्रिज मलबे में तब्दील हो गया। ट्विन टावर को गिराने वाली एडिफिस कंपनी ने ही इस पुल को गिराया है। आगे बढ़ते हैं, पुतिन से किसने की यूक्रेन में न्यूक्लियर अटैक की अपील। वॉर जोन में इस वक्त कहां घिर चुके हैं रूस के 5,500 सैनिक और यूक्रेन के 15% क्षेत्रों के विलय के बाद अब पुतिन का क्या है अगला मिशन। बैटलफील्ड से जुड़ी इन सभी खबरों को देखिए टॉप 9 रूस वर्सेस यूक्रेन में। रूस यूक्रेन जंग के बीच चेचन कमांडर कादिरोव की पुतिन को दिए एक सुझाव से न्यूक्लियर वॉर की आशंका बढ़ गई है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना को मिली हार से बौखलाए कादिरोव ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन को अब कम असर वाले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। पुतिन के कई अन्य सहयोगियों ने भी बड़े एक्शन का आह्वान किया है। यूक्रेन के डोनेस्क में रूसी सेना ने लॉजिस्टिक हब लाइनमैन में यूक्रेनी फोर्सेस जबरदस्त वापसी की है। यहां रूसी सेना को भारी नुकसान का दावा है। सूत्रों के मुताबिक चेचन कमांडर कादिरोव ने इस हार के लिए रूसी कमांडरों को फटकार लगाई है। कभी चेचन लड़ाकों ने यहां भीषण जंग लड़ी थी और रूस को जीत दिलाई थी। डोनेस्क के लाइमन में रूस और यूक्रेन के बीच अभी कई मोर्चे पर भीषण जंग जारी है। यूक्रेन ने लाइमन को चौतरफा घेर रखा है। यूक्रेन के पूर्वी बलों के प्रवक्ता सेरही चरवेती ने दावा किया है कि यहां रूस के करीब 5,500 सैनिकों को यूक्रेनी फोर्सेस ने घेर रखा है। सेरही के मुताबिक रूसियों के सरेंडर पर ही हमले बंद होंगे। यूक्रेन की आर्म फोर्सेस ने डोनेस्क के एक और इलाके में कब्जे का दावा किया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भीषण संघर्ष के बाद लाइमैन के करीबी दोविशेव में भी यूक्रेनी एयरबॉर्न ब्रिगेड ने अपना झंडा फहरा दिया है। ये डोनेस्क का वो इलाका है जिसे रूस ने आजाद घोषित किया है। जनमत संग्रह वाले क्षेत्रों में यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए हैं। जपोरिजिया और खेरसोन के मास्को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद से यूक्रेनी सेना के हमले तेज हो चुके हैं। जपोरिजिया में यूक्रेनी बलों ने रूस के अटैक हेलीकॉप्टर KA-52 को मार गिराने का दावा किया है। दूसरी ओर खेरसोन के बरिसलेव में भी एक रशियन एलिगेटर और ओडेसा ओब्लास्ट में रूस के एक R-10 ड्रोन को तबाह किए जाने का दावा किया गया है। जंग के बीच यूक्रेन ने रूस पर ज़ेपोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट के डायरेक्टर जनरल मुराशोव को किडनैप करने का आरोप लगाया है। यूक्रेनी स्टेट न्यूक्लियर कंपनी एनर्गोटेम के मुताबिक ज़ेपोरिज़्या को मॉस्को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किए जाने के कुछ देर बाद ही मुराशोव को नजरबंद कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन की शिकायत पर IAEA ने न्यूक्लियर सेफ्टी मैंडेट के तहत रूस से जवाब मांगा है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे राजघाट सोनिया गांधी पहुंची हैं। आज बापू की जयंती है और इस मौके पर राजघाट में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि इस बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भी हैं, नामांकन भी इन्होंने भर दिया है सोनिया गांधी के साथ, वो पहुंचे हुए हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायकों में से एक महात्मा गांधी की आज जयंती है। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती है आज। और इस मौके पर राजघाट में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए, बापू को नमन करने के लिए पहुंची हुई हैं राजघाट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 153वीं जयंती है। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हासिल होंगे। खाने में टेस्ट दिल से बनाने से आता है। दिल मैं ले आई और टेस्ट मंत्रा मसाले में भरे है। इमामी हेल्थी एंड टेस्टी मंत्रा मसाला, सिर्फ मसाला नहीं टेस्ट का मंत्रा। अब सर्दियों की कोई टेंशन नहीं, क्यों
लक्स पार्कर। इसका स्पेशल फैब्रिक बनाता है इसे एकदम पतला और ज्यादा गर्म, तो चाहे इसे ऑफिस पहन के जाओ या स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे, इसकी फिट रखे आपको सुपर कम्फर्टेबल। लक्स पार्कर, गर्म भी